हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है IAS PCS SSC क्लासेस। देखिए आज का पहला क्वेश्चन अलजेब्रा का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+1 बराबर 0 ये दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x + 1/x² की वैल्यू आपको पता करनी है। इस समीकरण से आप इसको सॉल्व करेंगे, दोनों पक्षों में x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 1/x बचेगा, x + 1/x, और ये -3 बचेगा। -3 को बराबर के बाद भेजेंगे तो ये +3 हो जाएगा। आ गया ये x + 1/x बराबर x + 1/ इस समीकरण से ये सॉल्व करने पर ये आया x + 1/x बराबर 3 और 3 माने k, ठीक है। अब ये आपको फाइंड आउट करना है, इसको जोड़ा बना के एक साथ कर लीजिए, थोड़ा सा x + 1/x लिख लीजिए एक साथ और x² + 1/x² एक साथ लिख लीजिए। ये देखिए मैंने एक साथ यहाँ पर लिख लिया है। अब इसकी वैल्यू आपको ये है 3 है तो 3 रख दिया, और स्क्वायर वाला फार्मूला होता है x² + 1/x² का फार्मूला क्या होता है, k² - 2, क्या होता है k² - 2। तो k क्या है 3, तो 3 × 9 में से दोगे 7, तो 3 × 7 = 10। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा संभल के रहिएगा और है बहुत इजी। चलिए इसको, क्वेश्चन में गिवन वैल्यू है x√3+√2। आपको वैल्यू पता करनी है x + 1/x की, ये फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू तो आप रख दीजिए सेम टू सेम √3+√2, और 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, 1/x की वैल्यू हो जाएगी √3 - √2। सिर्फ साइन इसमें बदल जाता है, जैसे x का मान दिया है √3+√2, तो 1/x का मान क्या होगा √3 - √2, या अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये कब होगा मित्रों, ये कब होगा, तो पहले हम आपको बता दें इसको थोड़ा सॉल्व करके। ये √2 √2 कैंसिल हो गया, √2 √3 आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब ये हुआ क्यों, जैसे 1/√3 + √2 है, यही तो है 1/x। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों अंश और हर में हर का परिमेयीकरण करने पर आपने पढ़ा होगा, तो √3 + √2 है तो इसके विपरीत साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, √3 - √2 / √3 - √2, ऐसे ही तो करते हैं हर का परिमेयीकरण। अब देखिए ये तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो इतना ही आएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं a + b और a - b, यानी a² - b² का फार्मूला बन जाएगा, तो √3 का वर्ग क्या आएगा 3, और √2 का वर्ग 2, और 3 - 2 कर देंगे तो 1 आ जाएगा नीचे, नीचे 1 आएगा, 1 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये ऊपर वाला आंसर आ गया ना √3 - √2, इस तरह से आता है। और ये आपको चेक करना है जैसे डायरेक्ट, तो इसमें ये याद रखिएगा कि ये कब उसके विपरीत साइन होंगे 1/x का मान, जब ये a की वैल्यू दी गई है, ये b की वैल्यू है, ये a और ये b, जब इन दोनों का स्क्वायर करने पर नीचे क्या बनता है a² - b² जब दोनों का स्क्वायर करके घटाएंगे, यानी √3 का वर्ग कर दीजिए, √2 का वर्ग कर दीजिए, उन दोनों को माइनस करिए और 1 आए, तभी ये ट्रिक काम करेगी वरना नहीं करेगी, याद रखिएगा। कब, जब a का स्क्वायर और b का स्क्वायर करके माइनस करेंगे और 1 आना चाहिए, क्योंकि नीचे 1 रहता है तो 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए तभी ये ट्रिक काम करेगी। ओके चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम है ऐसे ही, x = 3+√2 ये दिया गया है, तो आपको x² + 1/x² की वैल्यू पता करनी है, तो इससे आप निकाल सकते हैं 1/x का मान, 1/x का मान निकाल सकते हैं। सीधे हमने बताया था ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, 3 - √2, ठीक है। इसके बाद अब देखिए ये क्वेश्चन है, x की वैल्यू दी गई है, दिस x की वैल्यू ये दिया है x = 3+√2, 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - √2, आपको ये निकालना है x² + 1/x², ठीक है। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ देते हैं x + 1/x, तो क्या आ जाएगा,
ये प्लस का 2√2 है, ये माइनस का 2√2, जोड़ेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6। ओके, अब इससे बहुत आसानी से x² + 1/x² निकाल सकते हैं, ये वैल्यू दी गई है। ये क्या है आपका k, 6 को k, x² + 1/x² बराबर सूत्र होता है k² - 2, ठीक है, k है 6, तो 6 × 6 = 36 − 2 = 34, आंसर आ गया आपका 34। अब ये आपको याद रखना है, मैंने आपको क्या बताया था, ये 1/x की वैल्यू 3 − 2√2 यानी साइन चेंज करके कब होती है, ये आप चेक कर लेंगे, a और b का स्क्वायर करके घटाइए ज़रा, 3 का स्क्वायर किया 9 आया, 2√2 का स्क्वायर करिए, 2 × 4 × 8 तो 8 आया, इनको घटाया तो क्या आया, 1, 9 में से 8 गए 1, ये 1 आ गया, तभी ये ट्रिक काम करेगी, याद रखिएगा, क्योंकि हर का परिमेयीकरण करते हैं 1/x करने के बाद, इसीलिए ये आंसर, इसीलिए डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये 1 ना आ रहा होता तो 1/x बराबर जो आप साइन चेंज करके रख देते हैं तो ये गलत हो जाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है n की वैल्यू दी गई है, n बराबर 7 + 4√3। अब आपको रूट एन का मान निकालना है, अब आप कोशिश ये करिए कि रूट एन का जो मान निकालना है, n का इसको हम इस रूप में बदल दें कि इस, इसमें क्या करेंगे, n की वैल्यू दी गई है 7 + 4√3, रूट एन आपको निकालना है, तो रूट एन का मान, ठीक है, इसको n को हम किस रूप में लिख सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में अगर लिखें, जैसे मान लीजिए ये कोई संख्या बन जाए a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, अब जब इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या बचेगा, केवल a प्लस बी बचेगा, ये हट जाएगा, तो इसी रूप में हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब लेकिन ये a किस a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला रखा हुआ है, जैसे प्लस का साइन है तो a प्लस बी तो है, ये तो कन्फर्म है, ये तो कन्फर्म है कि a प्लस बी है। अब देखिए इसको हमने n बराबर 7 + 4√3 लिखा, हम क्या करते हैं कि ये जो लिखा रहता है ये 7, ये मान लेते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ लिखी है 7, और ये जो लिखा है 4√3 ये लिखा है 2ab, तो अब हम 2ab बराबर कर देते हैं 4√3, तो ab बराबर क्या आ जाएगा, 2√3, यानी कि a की जगह में क्या रखा है 2 और b की जगह में क्या रखा है √3, तो ये किसका सूत्र बन गया, n बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 + √3 का होल स्क्वायर ये बन गया। अब जब इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना बचेगा, 2 + √3 बचेगा, तो ये देखिए हमने रूट एन का मान निकालना है, प्लस रूट 1/√n का मान निकालना है, तो n की जगह ये देखिए रख दिया 2 + √3, 1/√n की जगह पे ये रख दिया 1/2√3। ओके, अब इसका तो परिमेयीकरण करते हैं तो ये ऊपर किससे गुणा होगा, 2 − √3 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 − √3 डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ये जो a और b है इन दोनों का स्क्वायर करने पर 1 आ रहा है, घटाने पर a² - b² का मान, तो ये 2 × 4 और √3 का वर्ग 3, तो 4 में से 3 गए 1, तो इसका मतलब केवल साइन भर बदलना है, चिन्ह भर बदल जाएंगे, यहाँ प्लस है तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस का आंसर आ जाएगा 2 − √3, ठीक है, ये पहले से है 2 + √3, √3 √3 0 हो गया, 2 और 2 = 4 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसमें केवल इतनी ट्रिक है a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसको लिखना। अब हम इसको a और b कैसे पता करें कि a और b हैं कौन, इसके लिए हम करते हैं 2ab बराबर 4√3 लिख लेते हैं, ठीक है, बस तो आपका आंसर पता चल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ओके, बाय बाय।